किसानों सहित युवाओं व बेरोजगारों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग। क्षेत्र में विकास की कमी को दूर करने हेतु उपखंड अधिकारी को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर जिला अध्यक्ष धर्म सिंह रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुख्य बिंदुओं में किसानों के फसल खराबे की तुरंत गिरदावरी करवाकर उनको उचित मुआवजा दिलवाने, प्रदेश में बिजली मीटर पर लगने वाले स्थायी शुल्क और बिजली की दरों में कमी करने, कोरोना के बाद किसानों मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर को तुरंत बढ़ाने एवं किसानों तथा मजदूरों को राहत दिलाने, अराई क्षेत्र के राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर कराने, जाँच मशीनों की व्यवस्था करवाने, क्षेत्र में पीने की पानी की किल्लत को तुरंत प्रभाव से सुचारू करवाकर क्षेत्र में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवाने, विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़ी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण व नवीनीकरण कार्य शुरू करवाने, कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को नियमित रूप से खुलवाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन प्रेषित कर जल्द से जल्द इन समस्त समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस मौके पर अजमेर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पांचूलाल गुर्जर, महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनू नोडल, सदस्य धर्मचंद चौधरी, थल पंचायत के पूर्व सरपंच उगमाराम छीतर गुर्जर, प्रधान अराई सावरमल अराई गंगाराम मुंडावलिया काली डोंगरी आदि मौजूद रहे। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। ऑडियो जंगल।